please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया और आज हम मौजूद हैं इंद्रेश गुप्ता जी के साथ। तो इंद्रेश गुप्ता जी, आपसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके एसोसिएशन के बारे में। देखिए, हमारी एसोसिएशन 2009 से फ्लैट बायर की लड़ाई लड़ती रही है निफोवा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ज़मीन अलॉट हुई थी तभी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। फिर हमने सारे बायर को इकट्ठा किया और हमने जो प्रॉब्लम थी अपनी उसको एक उचित प्लेटफॉर्म तक हम लेके गए। हमारी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन वहाँ पर हुआ, लेकिन बाद में जो थी वो बिल्डर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते कि अथॉरिटी जो है वो भी बीच के साथ ही इनकी मिली भगत रही, पॉलिटिशियन था वो भी सबके तरफ यहाँ पर करप्ट थे। तो प्रॉब्लम हमारी बढ़ते गई। अभी एंड में आके देखो हमारे को 8 साल हो गए फ्लैट लिए हुए, लेकिन अभी भी हम जो मैक्सिमम जो बाहर आए यहाँ के वो अपने फ्लैट का ही इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम लोग जो है अभी कल हमने बीजेपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और देखा जाए तो हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। इन्हीं तीन जगह पर दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज़्यादा बाहर जो है पीड़ित हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारे को जो आश्वासन दे रहे हैं नेता, कि जैसे अभी 3 मेंबर कमेटी बनी थी, सुरेश खन्ना जी थे उसमें, सतीश महाना जी थे और राणा जी थे, लेकिन उनसे भी सिर्फ हमारे को आश्वासन ही मिला कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर में आके कोई भी चीज़ का किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, वो चले जाते हैं। इसके लिए आपका अगला कदम क्या है? अभी हम कल बीजेपी के हेड ऑफिस में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और उनसे ये डिमांड रखते हैं कि जैसे आपने फार्मर्स की प्रॉब्लम का इशू का जो रिजोल्यूशन दिया, आपने देखो होम फॉर ऑल का भी एक नारा दिया है, टॉयलेट के लिए भी नारा दिया है, तो जैसे ही इनको इतनी सेंट्रल लेवल पे, इतने पूरे इंडिया के लेवल पे जो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक संगठित एक प्रॉपर वे में प्लान करके चलते हैं, वैसे ही जो बायर हैं फ्लैट बायर हैं, हम एक एक 25 लाख का फ्लैट खरीदते हैं तो हम गवर्नमेंट को 8 लाख रुपये का टैक्स देते हैं, 8 से 10 लाख रुपये का टैक्स देते हैं, तो 25 लाख में 10 लाख तो गवर्नमेंट हमसे लेके जाती है, तो तब भी हमारे को रिटर्न में क्या मिलता है? हमारे को झूठे आश्वासन नहीं मिलते हैं, हमारे पैसे से गवर्नमेंट चलती है और गवर्नमेंट हमारे को इस तरह का एक इंश्योरेंस तक भी नहीं देती कि अगर आपको फ्लैट नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट ये चीज़ है कि आपको इतना बिल्डर के थ्रू या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को इन्वॉल्व करके आपको फ्लैट का पोजीशन मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योगी सरकार को आए वक्त हो गया है, योगी सरकार के मंत्रियों ने क्या कोई उचित कदम इसके ऊपर उठाया है? देखिए, जब योगी सरकार आई थी तो हमें लखनऊ बुलाया गया था, हम योगी जी से मुलाकात करके आए थे। उस मीटिंग के अंदर इतनी हाई लेवल मीटिंग थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सारे लोग थे, सतीश महाराज जी, सुरेश खन्ना जी, सभी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, दो तीन बार ही हो चुकी है, लखनऊ में भी जाते हैं, यहाँ पर भी आते, तब भी मुलाकात हुई थी, लेकिन सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का नहीं है। आश्वासन, ये सारे आश्वासन से हम लोग अब तंग आ चुके हैं, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट मिले। आपके मुताबिक इस समस्या का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये जो प्रॉब्लम यहाँ बिल्डर्स की है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसका सोल्यूशन यह 2 लाइन 3 लाइन के अंदर में कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अध्यक्षता के अंदर में बिल्डर और बायर को साथ में मिला के सोल्यूशन निकलेगा। जब तक गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव लेके इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप रियलिटी मीडिया के माध्यम से सरकारों को और होम बायर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम लोग जो कल यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मेरी ये सभी बायर से ये अपील है दिल्ली एनसीआर के, जो बायर एसोसिएशन या जो बायर फंसे हुए हैं वो सारे लोग जो हैं कल सुबह 11 बजे बीजेपी हेड ऑफिस पहुँचे और बीजेपी गवर्नमेंट से ये डिमांड करें कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक हमारी ईएमआई हमारी माफ़ करी जाए और हमारे को एक हम इंश्योरेंस टाइप का चाहते हैं। अगर हम 25 लाख के फ्लैट के ऊपर 10 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो हमारे को एक इंश्योरेंस चाहिए। गवर्नमेंट ने तो प्रधानमंत्री ने तो स्कीम ये भी निकाली थी 300 रुपये साल के दीजिए तब आपको इंश्योरेंस मिलेगी, हम तो 8 लाख रुपये दे रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस का क्या हुआ?